हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बस बस भाई रिंकू, बढ़िया। तू बता, कैसे मजे में। फोन कर रहा था? अरे मैं वो पूछ रहा था आपसे, आप जो बता रहे थे ना, ये 14 मार्च को इसकी एनिवर्सरी है पाई की, तो ये पाई आई। की? हाँ जी, तो अच्छा। आई नहीं अभी, क्या बात है? अरे 14 मार्च को, हाँ पाई की एनिवर्सरी थी यार 14 मार्च को। तो पाई का जी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, लोगों ने केक काटे हैं पाई की एनिवर्सरी, मतलब बहुत अच्छे से मनाई है लोगों ने, मतलब सब जगह पे। तो पाई के बारे में यार मैं ये बता रहा था, पाई का ओपन मैननेट आने वाला था पर वो कुछ डिले हो गया है, तो ओपन मैननेट तो आया नहीं इसका 14 मार्च को अच्छा पाई का। पर कुछ और चीजें आई हैं पाई के बारे में, मैं तेरे को बताता हूँ क्या क्या चीजें आई पाई के बारे में। सबसे क्या बड़ी ही बात है? तो पाई के बारे में ये आया है कि पाई के साथ पहले है ना 35 मिलियन लोग जुड़े हुए थे, मतलब 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे पाई के साथ। जी और पाई की जो अब नई अपडेट आई है उसमें पाई के साथ 4.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, तेरे और मेरे जैसे जो पाई की माइनिंग कर रहे हैं। पता है अच्छा मतलब पहले साढ़े जी, तीन करोड़ लोग थे, अब 4.25 करोड़ लोग हो चुके हैं। काफी और हो गए। हाँ, बहुत से लोग यार, मतलब डे बाय डे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, 230 कंट्री में लोग इसको माइनिंग कर रहे हैं, अपने इंडिया के अलावा 230 कंट्री में लोग इसकी माइनिंग कर रहे हैं और टोटल 4.25 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। और दूसरी इसकी बात बड़ी बात क्या आ गई, इसको इसकी लोगों की क्या KYC नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने क्या करा है, मास KYC स्टार्ट करी है, मतलब बल्क में KYC करेंगे लोगों की, मतलब अच्छा डेली की मान ले कम से कम 1 मिलियन लोगों की KYC होगी। अभी तक लोगों की अच्छा KYC नहीं हुई है, कुछ का माइग्रेट टू मैननेट नहीं हुआ पाया है, इस वजह जी से इसका क्या ओपन मैननेट में डिले हो गया। जी और इसके अलावा इन्होंने एक चीज और करी है यार, एक इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है ना, एक इन्होंने अपनी वेबसाइट को भी चेंज कर दिया है। पहले इनकी वेबसाइट कुछ अलग थी, पहले इनकी अच्छा वेबसाइट थी mineparty.com, ठीक है, जी और अब इन्होंने कर दिया pynet.com, मतलब इन्होंने अपनी वेबसाइट चेंज करी है, कुछ इसके पायोनियर्स बड़े हैं। और इसके अलावा KYC कर दी इन्होंने सभी के लिए, ओपन KYC कर दी है, मतलब मास KYC कर दी है, अब KYC करने में लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और एक माइग्रेट टू अच्छा मैननेट में जिन लोगों को दिक्कतें हो रही थी वो दिक्कतें भी अब नहीं आएगी, ठीक है। तो ये और अपने इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी? अरे बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी इंडिया में यार भाई, जिसकी माइनिंग जिसकी माइनिंग 4.25 करोड़ लोग जिसकी माइनिंग कर रहे हैं, तो 4.25 करोड़ लोग बेवकूफ तो हो नहीं सकते, हाँ कुछ ना सही कुछ है। रीजन है, कुछ ना कुछ है, इसी वजह से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसका ओपन मैननेट जल्दी से आ जाए और लोग अपनी पाई को जो है वो कैश में कन्वर्ट कर ले। हाँ ये बात है भाई इसकी। तू माइनिंग कर रहा है ना? हाँ, मैं तो माइनिंग कर रहा हूँ, और आपका जो SR क्रिप्टो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर चुका हूँ, सारी अरे अरे क्या बात डिटेल मिल जाती है। अच्छा क्या बात है, धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। बस माइनिंग करता रहे, मेन चीज माइनिंग ही है इसमें, माइनिंग को मिस मत करना। देख इसका ओपन मैननेट अभी तो आया नहीं है पर कुछ चीजें निकल के आई है ओपन मैननेट के लिए, काफी चीजें हैं जिन पे ये वर्किंग कर रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो टीम है ना बहुत ही सॉलिड टीम है पाई नेटवर्क की। हाँ इसकी जो टीम है उसके डेली अपडेट्स आते हैं, अगर तूने ट्विटर अकाउंट इनका ज्वाइन नहीं कर रखा था तो ट्विटर अकाउंट ज्वाइन कर ले, उस पे डेली नई अपडेट्स आती है पाई के बारे में कि आज पाई टीम ये कर रही है, आज वो कर रही है, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घंटा नहीं जाता जिसमें नई अपडेट ना दे, मतलब अच्छा डेली कुछ ना कुछ नई अपडेट आती है। बस मेन जो अपडेट अपने को चाहिए ओपन मैननेट की, वो अपडेट अपने को नहीं मिल पा रही है। यदि कोई किसी तेरे फ्रेंड की KYC नहीं हुई है तो उसको बता देना कि आप पाई नेटवर्क के ब्राउजर पे जाके उसकी KYC अब इजीली तरीके से हो जाएगी, KYC करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब उसको। हाँ अच्छा और बस बस, और सब मजा में? बस, हाँ सब मजे में भाई। चल ठीक है ब्रदर, है ना, माइनिंग करता रहे ओके और मजे कर, ओके ठीक है, ओके बाय ओके, बाय। बाय बाय।